सरायकेला में जनता संवाद के दौरान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने सीधी जनता से संवाद किया। ग्रामीणों ने उनके सवालों पर कहा, इस भीषण गर्मी में ब्रिटिश काल में बने हुए कुएं पर पूरा गांव निर्भर है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सोमवार सुबह पश्चिम सिंहभूम जिले से सरायकेला पहुंचे, जहां केवीपीएसटी राज्य संपोषित बालिका उच्च विद्यालय पहुंचने पर सर्वप्रथम जिला प्रशासन द्वारा महामहिम को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर सरायकेला जिला पुलिस प्रशासन के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत राज्यपाल केवीपीडीएस राज्य संपोषित बालिका उच्च विद्यालय मॉडल स्कूल का भ्रमण कर स्कूली छात्राओं से संवाद स्थापित किया। इस कार्यक्रम के बाद राज्यपाल ओल्ड एज होम में प्रस्तावित कार्यक्रम में भी शिरकत की, जिसके बाद संजय ग्राम स्थित जनजाति आवासीय विद्यालय में राज्यपाल स्कूली छात्र छात्राओं के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां राज्यपाल ने जनजाति आवासीय विद्यालय के छात्रों के साथ मिलकर पौधारोपण भी किया और तस्वीरें भी खिंचाई। इस मौके पर स्थानीय लोगों के जन समस्याओं से भी राज्यपाल अवगत हुए। वहीं राज्यपाल ईटाकुदर पंचायत भवन में आयोजित जनता संवाद कार्यक्रम में शामिल होकर लोगों से संवाद स्थापित किए। इस दौरान ईटाकुदर पंचायत अंतर्गत काशीडी टोला में भीषण पेयजल संकट से जूझ रहे ग्रामीणों ने राज्यपाल को समस्या से अवगत कराया। जनसंवाद कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं ने कहा कि टोला में ब्रिटिश काल के बने कुओं से आज भी ग्रामीण पेयजल के लिए निर्भर है। गर्मी के इस मौसम में कुआं सूख जाने के चलते ग्रामीणों को पेयजल के लिए भटकना पड़ता है। ग्रामीणों ने महामहिम से गुहार लगाई कि गांव में पेयजल की समुचित व्यवस्था करते हुए तालाब आदि का भी निर्माण कराया जाए। यहां आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल के हाथों परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। महामहिम आगमन को लेकर सरायकेला जिला प्रशासन द्वारा लगातार तैयारियां की जा रही थी। इधर राज्यपाल आगमन को लेकर सरायकेला मुख्यालय समेत अन्य क्षेत्रों में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था स्थापित थी। People's status of living, standard of living at their place itself. By traveling by car all the way, I am able to understand the economical development activity of each and every district. And one thing is sure, that the enthusiasm of the people is so good. Step by step, the economical development will root inside the villages. And the small towns and the big cities are developing. The scope for development is very high, that I hope in the next 5 years there will be tremendous development will come in Jharkhand. गुप्त सूचना के आधार पर कपाली पुलिस ने कमाल घोड़ा चौक के पास से एक युवक को गिरफ्तार किया है और उसके पास से एक देसी कट्टा और 2 जीवित कारतूस बरामद किए हैं। सरायकेला खरसवा जिले के चांडिल के कपाली ओपी अंतर्गत कमारगोड़ा चौक से कपाली ओपी पुलिस ने एक देसी कट्टा और 2 जीवित कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक का नाम अरुण महतो है, जो कपाली ओपी क्षेत्र के ही रहने वाला है। उसकी पुष्टि कपाली ओपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चांडिल अनुमंडल के SDPO संजय कुमार सिंह ने की। पुलिस ने तलाशी में युवक के पास से एक लोडेड देसी कट्टा और पॉकेट में रखे जीवित कारतूस और एक मोबाइल फ़ोन जब्त किया है। बीते रात्रि थाना बुरवारी गश्ती में थे और इसी दौरान लौटने के समय लगभग 3-4 बजे इनको जानकारी मिली कि कोई जो है एक लड़का को देखा संदिग्ध हालत में, तो संदेह के आधार पर उसे पूछने का कोशिश किया। लड़का भागने लगा, इसको पकड़ लिया गया साथ में शामिल फोर्स के मदद से, और पकड़ने के बाद उसने अपना नाम अरुण कुमार महतो बताया, जो कमारगोड़ा का रहने वाला लड़का है। ये इसकी जब तलाशी ली गई तो इसके पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा गोली मिली। बाबन घोड़ा तालाब के निकट उस समय सनसनी फैल गई जब स्थानीय लोगों ने एक व्यक्ति का शव तालाब में तैरता पाया। उसकी पहचान 55 वर्षीय सुरेश सरकार के तौर पर की गई है, जो अक्सर तालाब में नहाने आया करते थे।
शव की पहचान स्थानीय निवासी 55 वर्षीय बावनगोड़ा निवासी सुरेश सरकार के रूप में की गई है, जो कि लगातार इस तालाब में नहाने जाया करते थे और कल शाम में भी तालाब में नहाने आए थे, जहां अनुमान लगाया जा रहा है कि पांव फिसल जाने की वजह से तालाब में डूबकर इनकी मौत हुई है। सूचना पाकर परसुडी पुलिस दलबल के साथ बावनगोड़ा तालाब पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परसुडी पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि अज्ञात शव की सूचना पर वे घटनास्थल पर पहुंचे, जहां मृतक सुरेश सरकार के भतीजे ने शव की पहचान की है। को सूचना मिला था कि बावनगोड़ा तालाब में एक लाश है, उस सूचना को सत्यापन के लिए हम लोग यहाँ आए। लोकल के मदद से लाश को उठाया गया तो पता चला ये सुरेश सरकार की लाश है, उसके भतीजे ने पहचान की है। उनका कहना है कि ये इनका शादी नहीं हुआ था और ऐसे ही नहाने आते थे, तो इस पे जांच चल रही है, देखिए उनके लिखित आवेदन पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। टिनप्लेट चौक के पास सड़क पार कर रही एक महिला का हैंडबैग छीनकर बाइक सवार दो उचक के फरार हो गए, जिन्हें पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी ने खदेड़कर पकड़ लिया। गोलमुरी थाना अंतर्गत टिनप्लेट के समीप सड़क पार कर रही बाइक सवार उचक के नामदा बस्ती की महिला सुमन देवी का पर्स लूटकर फरार हो गए, जिसे पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा खदेड़कर धर दबोचा गया। जब युवक से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम करण मुंडा बताया। पीड़िता के आवेदन एवं गेस्ट में आए करुण मुंडा के स्वीकारोक्ति बयान पर मामले से जुड़े अन्य दो अभियुक्त कृष्णा पात्रो एवं राकेश भुइया को हीरो होंडा मोटरबाइक के साथ धर दबोचा गया, जिसे पूछताछ के बाद रविवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दिन में करीब 2:45 बजे गोलमुरी टिनप्लेट चौक के पास एक महिला से 3 अज्ञात अपराधकर्मी एक मोटरसाइकिल से उनका पर्स छीनकर भाग गए। महिला पर हल्ला मचाने पर कुछ लोगों ने उसका पीछा किया और भागने के क्रम में हम लोग को ये सूचना दिया और हम लोग इतना तो क्रिमिनल्स के पीछे भागे। भागने के क्रम में नामदा बस्ती में काली मंदिर के चौक के पास मोड़ने के क्रम में उनकी मोटरसाइकिल असंतुलित हो गई और मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई और तीनों क्रिमिनल फिर पैदल ही भागने लगे। तब तक पीछा करके एक अपराधकर्मी को पकड़ा गया। उलीडी थाना क्षेत्र के संकोसाई में एक तलाकशुदा महिला का शव पाया गया है, उसकी धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई है। उलीडी थाना क्षेत्र के संकोसाई में तलाकशुदा महिला की धार धार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या की सूचना मिलते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक की पहचान 30 वर्षीय तलाकशुदा नागी लकड़ा के रूप में हुई है, जो सुबह घर से कुछ काम के लिए निकली थी। हम तो सुबह उठे ना तो देखे कि भाभी मेरे को बोली कि तेरा दीदी को कोई मार दिया, जाओ जल्दी से बोली। अच्छा, फिर उठ के गए तो देख रहे दीदी ने पूरा मार के लेटा दिया। कहाँ पर लेटी हुई थी? खेती में। क्या लग रहा है? मर्डर किया था। कौन किया है? अब कौन किया ये तो नहीं पता। क्या नहीं तो फिर क्या हुआ? फिर सबको बुलाए, सबको गया घर का। बर्मा माइंस थाना अंतर्गत प्रेम नगर निवासी अरुण सिंह के आवास पर अचानक आग लग गई, जिससे एक स्कूटी और ऑटो जलकर पूरी तरह खाक हो गई है। बर्मा माइंस थाना अंतर्गत प्रेम नगर निवासी अरुण सिंह के आवास में अचानक आग लग गई, जिससे उनके गैराज में रखे इलेक्ट्रिक स्कूटी व ऑटो जलकर खाक हो गई। शनिवार देर रात अचानक उनके इलेक्ट्रिक स्कूटी में आग लग गई, जिसके बाद आग बढ़ती गई और पास में खड़ी एक ऑटो में भी पहुँच गई। जब तक घर वालों को इसकी भनक लगती तब तक दोनों वाहन पूरी तरह आग की चपेट में आ चुके थे। काफ़ी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दोनों वाहन जलकर खाक हो चुके थे। प्योर ईवी का गाड़ी है, इसमें रात में अचानक से धुआं उठना स्टार्ट हो गया और आग लग गया था। जब तक हम लोग उठे तो बहुत ज़्यादा लपट शपट उठ चुका था, उसके चक्कर में फिर आपका ऑटो में रोशनी पूरा सब जगह आपका आग लग चुका था। फिर धीरे धीरे जब आग थोड़ा नॉर्मल हुआ तो हम लोग सब पानी में डाल के इसको बुझाए और फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया गया था, बट लेकिन रात से भी कोई फायर ब्रिगेड आया नहीं। बट अभी सुबह रात में हम लोग 2 घंटे के अंदर आग काबू पा लिए थे। उधर परसुडी थाना अंतर्गत कतरा ड्राइवर कॉलोनी निवासी संतोष प्रसाद पर टुकटुक उपाध्याय नामक अपराधी ने गोली चला दी, मगर वो बाल बाल बच गया। इस गोलीबारी में
संतोष प्रसाद बाल बाल बच गए। वहीं घटना के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। अपने काम से लौट रहे संतोष प्रसाद को पहले टुकटुक उपाध्याय ने बीच सड़क पर रोका, उसके बाद पिस्तौल का भय दिखाकर संतोष के पास 12,000 नकद, मोबाइल फोन और उसकी गाड़ी को छीन लिया। संतोष प्रसाद से पैसे और मोबाइल को लेकर चलते बना। जब इस घटना की शिकायत करने पीड़ित संतोष प्रसाद टुकटुक उपाध्याय के घर पहुंचा, तो टुकटुक उपाध्याय ने 2 चक्र हवाई फायरिंग कर एक राउंड प्रसाद के ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें प्रसाद बाल बाल बच गया। घटना यही है कि वो लड़का टुकटुक उपाध्याय, जिसका नाम है, क्या नाम है, टुकटुक उपाध्याय, हमारे बस्ती में उसका दूर का परिचय है, बगल के ही लोग हैं, ज़्यादा दूर का नहीं है। अचानक से रास्ते में मेरे को आते हुए देख के मेरे गाड़ी के सामने वो आ गया। हम गाड़ी रोके, हमको लगा कुछ उनकी बात करेगा, पर वो बात करने के क्रम में हमसे पैसा का डिमांड कर दिए, और वो पिस्टल दिखाने लगे। फिर हमको, मतलब आपको क्यों पैसा हम देंगे, हम नहीं, हमको दो सुबह से दो जगह हम गोली चलाए हैं, तुम नहीं देगा तो देखो फिर और गोली चला सकते हैं। हम बोला हमारा मोबाइल छीन लिया, हमारे पास कुछ पैसा था वो भी ले लिया, वो इतना था हम उसको सब दे दिए, मेरे पास 10-12 हज़ार रुपये था वो दे दिया उसको हम। उसके बाद वो दो पिस्टल मेरे को दिखाया, मेरा बाइक भी छीन लिया। थोड़ा सा अगल बगल 2-4 आदमी इकट्ठा हुए, जिसको पैसा और मोबाइल लेकर चला गया, मेरा बाइक वहीं छोड़। कितना पैसा लेके गया? करीब 11-12 हज़ार रुपये थे मेरे। कितने राउंड गोली चलाया? वहाँ पे तो गोली नहीं चलाया, वहाँ से हमने उसका घर जाके उसके माँ पापा को इन्फॉर्म किया कि देखिए आपका लड़का ऐसा ऐसा किया है, आपका छोटा बेटा का हम लोग भाई जैसा हम लोग है, ये देखिए सब अच्छा नहीं किया। तो उनके माँ पापा उसको बुलाए कि आपका मोबाइल हम दिलवा दे रहे हैं, थाना में पुलिस कंप्लेन मत करिए। हम ठीक है नहीं करेंगे, आप फिर को मंगवा दीजिए, और जो भी हमारा पैसा लिया दिलवा दीजिए, हम कोई कहीं करेंगे। लेकिन वो घर आते साथ अपना घर पर मेरे को देखते पाया, वो मेरे घर चला गया, मेरे बस्ती में जाकर 3 राउंड गोली चलाया। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के बागुन नगर में हत्या के मामले में जनवरी से फरार चल रहे आरोपी अमित सिंह और चिराग मुखी के आवास पर प्रशासन द्वारा इश्तिहार चस्पा किया गया। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के बागुन हतु में हत्या के मामले में जनवरी से फरार चल रहे 2 आरोपियों अमित सिंह और चिराग मुखी के घर इश्तिहार चस्पा किया गया। ये दोनों तेलुगु के चंद्रशेखर सिंह की हत्या के आरोपी हैं। अमित सिंह बागुन हाथी आश्रम के पास रहता है, जबकि चिराग मुखी भीमा रोड सिद्धगोड़ा का निवासी है। पुलिस ने रविवार को ढोल नगाड़े के साथ इश्तिहार चस्पा किया। सिद्धगोड़ा थाना पुलिस ने बताया कि अगर दोनों आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो 30 दिन बाद कुर्की वारंट निकाला जाएगा। साथ आज क्या किया गया? सिद्धगोड़ा थाना कांड संख्या 123 के प्राथमिकी अभियुक्त अमित सिंह, पिता का नाम ललन सिंह, पता बागुन हातु आश्रम के पास, और एक उनके ही उसी केस के प्राथमिकी अभियुक्त चिराग मुखी, पिता का नाम सूर्य शत्रुधन, भीमा रोड एक्शन क्वार्टर टाइप 99 और 100, इन दोनों कांड में वांछित हैं और कांड में फिरार चल रहे थे। इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय से इश्तेहार लेकर के आज इश्तेहार की प्रक्रिया पूरी की गई है। उत्तरी करंडी पंचायत में कचरे के अंबार से लोग परेशान थे। लोगों की शिकायत के बाद जिला परिषद पूर्णिमा मलिक ने पहल करते हुए साफ सफाई अभियान की शुरुआत की है। परसुडी के उत्तरी करंडी पंचायत अंतर्गत धर्मटोला की ओर से जाने वाले नाले के कचरे का अंबार लग चुका है। स्थानीय की शिकायत पर जिला परिषद पूर्णिमा मलिक के द्वारा जेसीबी की मदद से साफ सफाई अभियान चलाया गया। बता दें कि यह नाला विगत कई महीनों में जाम पड़ा हुआ था। नाले के आसपास बदबू फैली हुई थी। इसकी शिकायत स्थानियों ने जिला परिषद पूर्णिमा मलिक से की थी। इन्होंने इस पर अविलंब कार्रवाई करते हुए जेसीबी की मदद से नाला तथा आसपास लगे कचरे के अंबार को साफ करवाया। क्या हो रहा है आज? ये नाली का सफाई हो रहा है। जिला परिषद पूर्णिमा मल्लिक के सहयोग से मानिक मल्लिक के देख रेख में काम। कितने दिन से आप लोगों को ये परेशानी थी? ये 1.5-2 साल से परेशानी। साक्षी शीतला मंदिर में नवकुज नवरात्रि लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें दूर दराज से आए भक्त भाग ले रहे हैं। सोमवार को विशाल कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पूजा अर्चना की। We'll be right back.
लोग का कलश यात्रा हो रहा है। आज से लेकर 27 जून तक हम लोग का कार्यक्रम चलेगा। मंदिर में हमारा लक्ष्मीनारायण भगवान का यज्ञ हो रहा है, जिस यज्ञ में हमारा जी श्रीरंगी स्वामी महाराज और जीर स्वामी महाराज जी के आशीर्वाद से हम लोग यज्ञ का करने का कार्य शुरू किए हैं। भाटबेड़ा क्षेत्र में व्याप्त गंदगी की समस्या से निजात दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक मांग पत्र सौंपा है। बागबेड़ा क्षेत्र में इन दिनों गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्थानीय लोग व्याप्त गंदगी से परेशान है। कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने निजी कार्यक्रम के तहत क्षेत्र भ्रमण के दौरान लोगों से इन समस्याओं के संबंध में जाना और जल्द से जल्द इन समस्याओं को दूर करवाने का आश्वासन दिया। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय पहुँचे, जहाँ उनकी अनुपस्थिति में अंचलाधिकारी के समक्ष इन समस्याओं को रखा। कल मैं बागबेड़ा क्षेत्र में जनसंपर्क में था पार्टी के कार्यक्रमों में, तो उस क्रम में वहाँ के स्थानीय लोगों ने एक समस्या की ओर हम लोगों का ध्यान आकृष्ट कराया, जो बहुत बड़ी समस्या है। उस क्षेत्र में बहुत सारे जगहों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ हम लोगों ने देखा। हमें भी बहुत ख़राब लगा कि सरकार की नियति और सरकार की नियत स्पष्ट है कि साफ सफाई पर सरकार बहुत कॉन्शियस है, फिर किस परिस्थिति में इतना कचरा यहाँ इकट्ठा है और क्यों वीडियो इस पर ध्यान नहीं दिया उसे। तो हम लोग आज इसी बात को लेकर के कल ही हमने वहाँ घोषणा किया था कि मैं कल जाऊँगा और अपने वीडियो साहब से बात करूँगा क्यों इन चीज़ों पर अभी तक आपने संज्ञान नहीं लिया और क्यों ये चीज़ें पड़ी हुई। बर्मा माइंस में एक किन्नर के साथ हुई बदसलूकी के विरोध में किन्नरों ने थाने में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्रवाई के आश्वासन के बाद वे शांत हुए। बर्मा माइंस थाना अंतर्गत सिद्धू कानू बस्ती में रहने वाली बोनी किन्नर के साथ घर में घुसकर मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। वर्तमान समय में सिद्धू कानू बस्ती में सैकड़ों की संख्या में किन्नर किराए के मकानों में रहकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अचानक सिद्धू कानू बस्ती निवासी ईदू व उसके साथी ने बस्ती निवासी बोनी किन्नर के घर में घुसकर कथित रूप से पैसे की मांग की, साथ ही जबरन पैसा वसूली की और उसके साथ मारपीट भी की। इसके विरोध में आज सभी किन्नरों ने मिलकर बर्मा थाना का घेराव किया। बस्ती में पूरा 100 जन डीजी रहते हैं, वहाँ पे हम लोग को अपना जो रोज रोजगार है अपना कमा के अपना रहते हैं, इसीलिए बस्ती वाला भी हम लोगों को वहाँ रखने का विरोध करते हैं, हटा दो ये लोगों ख़राब है, ये लोगों बस्ती को गंदा करते हैं। तो हम लोगों बहुत सुन के सह के रहते हैं बस्ती में। तो कल हमारे साथी घर में थे, उनको वही बस्ती का दो लड़का आए और पैसा भी मांगे, सेक्सुअल रिलेशन को फोर्स किया गया और लोगों को नहीं मना करने का बावजूद उनको बहुत मतलब उनको बहुत हिसाब से मारा गया। उधर जुगसलाई गौरी शंकर रोड में नगर परिषद द्वारा निर्मित कलवर्ट इन दिनों जानलेवा साबित हो रहा है। इस कलवर्ट की वजह से हर रोज लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। जुगसलाई गौरी शंकर रोड में नगर परिषद द्वारा बनाई गई कलवर्ट इन दिनों लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। लगातार लोग सड़क दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। इतना ही नहीं, बरसात के दिनों में इस सड़क से गुजरना भी लोगों के लिए असंभव है। प्रदर्शन का नेतृत्व आजसू पार्टी के जुगसलाई मंडल अध्यक्ष राजू तनवीर कर रहे थे। सड़क पर उतरकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने बने कलवर्ट का जमकर विरोध किया। जुगसलाई नगर परिषद पर कमीशनखोरी और अवैध वसूली का आरोप भी लगाया। फंसना जरूरी है।
इसी के मांग को लेकर आशु पार्टी यहाँ डिमांड कर रही है कि ये रोड को फिर से नली को बनाया जाए। और बहुत से यहाँ एक नली है, बहुत चौड़ी नली है जो पूरे चला है, गौरीशंकर रोड रानी बस रोड से ये नली आती है यहाँ पर, और ये एक थोड़ा पानी गिरने से ये रोड पूरा बंद हो जाता है। अच्छा, कितने लोग प्रभावित होंगे इस सड़क की वजह से? 10,000 से ऊपर लोग प्रभावित है जुलाई को। सरायकेला खरसुआ जिले के गमरिया प्रखंड में एक शाम मेधावी छात्रों के नाम कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें 10वीं और 12वीं में 70% से ऊपर अंक अर्जित करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। सरायकेला खरसुआ जिले के गमरिया प्रखंड स्थित पूंजी डूंगरी काली मंदिर के समीप एक शाम मेधावी छात्रों के नाम कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस नेता सह 20 सूत्री सदस्य गौरी शंकर प्रसाद के नेतृत्व में किया गया। इस कार्यक्रम में 10वीं एवं 12वीं में 70% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को ट्रॉफी एवं गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत होने से पूर्व सारे मुख्य अतिथियों को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। बताते चलें, कार्यक्रम के आयोजनकर्ता गौरीशंकर प्रसाद ने कहा, बच्चे देश के भविष्य है, अगर ये पढ़ लिख कर अच्छे अंक प्राप्त करेंगे तो ही समाज एवं देश का नाम रोशन कर पाएंगे। हम चाहेंगे कि हमारे मेधावी छात्रों को जो आज बेस्ट ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, सभी ऑडियंस हमारे भाई बहनों से निवेदन है, तो मेरा नाम अंशु कुमारी है और मैं विद्या ज्योति स्कूल में पढ़ती हूँ, और अभी मैंने 12वीं का एग्ज़ाम दिया जिसमें मुझे 92.20% आए, और मैं पढ़ती थी लेकिन ज़्यादा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि 12 घंटे 16 घंटे नहीं, मैं कम पढ़ती थी लेकिन सही पढ़ती थी, और दिखाने के लिए नहीं पढ़ती थी जैसा सबने बोला। मैं NCERT पढ़ती थी, मैं कॉमर्स से हूँ, और मेरे सर कमलेश सर, उनको मैं बोलना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया और आखिरी समय तक उन्होंने मेरा साथ भी दिया। आज ये कार्यक्रम एक शाम मेधावी छात्रों के नाम करके है। इस कार्यक्रम के तहत जितने भी हमारे सफलता प्राप्त छात्र छात्राएं हैं जो 10th में अपनी मेहनत के बदौलत ऊंचे अंक हासिल किए हैं, उनको प्रोत्साहित करना है, साथ ही उनसे नीचे अंक प्राप्त करने वालों को भी ये प्रोत्साहन करने हेतु ये प्रोग्राम श्री गौरी प्रसाद जी के तरफ से किया गया है। और ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है जिसमें बच्चों में एक कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन की भावना उत्पन्न हो। जमशेदपुर में सिख विस्टम की शुरुआत हो रही है, इसके तहत अब 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। CGPC के प्रयासों से ये सफल हो पाया है। साक्षी गुरुद्वारा साहिब के समीप स्थित मॉडर्न स्कूल परिसर में इसकी कक्षाएं संचालित की जाएगी। इसके उद्घाटन हेतु एक समारोह का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी पीयूष सिन्हा मौजूद रहे। कार्यक्रम में तमाम छात्र, अभिभावक, शिक्षाविद एवं CGPC के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान सभी ने सिख विजडम के पोस्टर का अनावरण किया। बता दें, सिख छात्रों के शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने एवं उन्हें निःशुल्क उच्च शिक्षा हेतु बरकरार कोचिंग देने हेतु शहर के 2 इंस्टीट्यूट इस निःशुल्क सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। 110 छात्रों का नामांकन किया जा चुका है, 3 बैच में ये निःशुल्क कोचिंग करवाई जाएगी। अभी हम लोग कल से क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, और क्लासेस अभी 11th और 12th की स्टार्ट हो रही है। मंडे वेंसडे फ्राइडे हमने पूरा साइंस विंग बना दिया है, और ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे हमने कॉमर्स विंग बना दिया है। आर्ट्स की विंग हम सैटरडे संडेज को स्टार्ट करेंगे, और फैकल्टीज सारे ISC और CGPC स्कूल्स के रेप्यूटेड फैकल्टी है, जिसकी लिस्ट हमारे ऑफिस में है और आज सारे कार्यक्रम में भी मौजूद है। और सारे बच्चों को पर डे पर क्लास के हिसाब से हैंडआउट शीट्स नोट्स सब कुछ मिलेगा। बच्चों को जिस तरह से प्राइवेट कोचिंग में एक अनुभव है, उसी प्रकार का या उससे अच्छा अनुभव यहाँ पर मिलने वाला है। JEE एडवांस में इस बार जमशेदपुर के नारायण इंस्टीट्यूट के 39 छात्रों ने सफलता अर्जित की है। बताते चले कि नारायण इंस्टीट्यूट जमशेदपुर का रिकॉर्ड हमेशा से ही अव्वल रहा है, और यहां के छात्र लगातार हर वर्ष शीर्ष रैंक हासिल करते हैं। इस बार भी JEE एडवांस में 39 छात्रों ने सफलता हासिल की। सेंटर के निदेशक ने तमाम छात्रों को बधाइयाँ दी है, छात्रों ने भी इंस्टीट्यूट के प्रति आभार व्यक्त किया है। एडवांस 2023 का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, ठीक है। जैसा कि इस साल JEE मेन नीट में हम लोगों ने सफलता हासिल की, सेम तरीके से इस बार JEE एडवांस में भी
सफलता हासिल किया है नारायणा ने, जो कि ऑल ओवर इंडिया में अगर देखा जाए ना टॉप 10 ऑल कैटेगरी को लिया जाए तो 12 रैंक्स है। मानगो के उलीडी में आयरन पैराडाइज नामक जिम की शुरुआत की गई है। इसका उद्घाटन मशहूर बॉडी बिल्डर जॉन लुकस ने किया। कुल 8000 वर्ग फीट में ये जिम है, जहां बॉडी बिल्डिंग के तमाम अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई है। इस क्षेत्र का यह सबसे बड़ा जिम है जहां युवा वर्ग बॉडी बिल्डिंग कर सकेंगे। इसके उद्घाटन समारोह में विश्व के मशहूर बॉडी बिल्डर जॉन लुकस मौजूद रहे। तमाम युवा वर्ग उनके इस सेल्फी लेते दिखाई पड़े। उन्होंने जमशेदपुर को युवाओं को शहर बताया, साथ ही सभी से अपने फिटनेस पर ध्यान देने की अपील की। Okay, firstly guys, I heard about Jamshedpur and I heard that it's a very, very beautiful city and I was absolutely blown away at how beautiful and what a beautiful city you guys have got. It's green, it's clean, it's beautiful, and then to top it all off, you've got a world-class gym that's just opened up, Iron Paradise. Already I'm super, super impressed, firstly with the owners. These guys are young entrepreneurs, they know what they're doing, they've got qualified personal trainers here to give the best advice possible. Obviously you guys can see the facilities are incredible, so everybody in this city is really, really blessed to have another world-class gym like Iron Paradise open up. I wish these guys all the best and all the best for your guys' city. It's a beautiful city. 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाएगा। मानगो स्थित जेपी स्कूल प्रांगण में बच्चों को योगाभ्यास कराया गया। स्कूल के संस्थापक अर्जुन शर्मा खुद पतंजलि योग समिति के प्रशिक्षक है और हमेशा से ही वे स्कूली छात्रों को योग अभ्यास निरंतर कराने की प्रेरणा देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के योग का प्रशिक्षण उनके द्वारा छात्रों को दी गई। उन्होंने कहा कि लगातार योग करने से शरीर निरोग रहता है, इस कारण से स्कूली छात्रों को निरंतर योग अभ्यास उनके द्वारा कराया जाता है ताकि वे अपने जीवन शैली में योग को अपनाएं। जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जेपी स्कूल बड़े जोर तोर से बच्चों को योगाभ्यास और उसके साथ जो अनुलोम विलोम कपाल भारती प्राणायाम है उसको सिखाया जा रहा है। वो सिखाने का उद्देश्य यही है कि वो एक दिन ही केवल 21 तारीख के लिए नहीं, पूरे प्रतिदिन के लिए उनको सिखाते हैं और इस क्रम में इन्हें विशेष रूप से आयोजन कर करके 21 तारीख की तैयारी के लिए चल रही है, जिसमें छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं समर्पित अभिभावक भी भाग ले रहे हैं। उधर ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा विश्व योगा दिवस के मौके पर 21 से 27 जून तक योगा एवं मेडिटेशन शिविर का आयोजन किया जाएगा। ब्रह्म कुमारी संस्था के जमशेदपुर शाखा द्वारा उनके सोनारी स्थित स्थानीय मुख्य सेवा केंद्र यूनिवर्सल पीस पैलेस मरीन ड्राइव में 21 से 27 जून सुबह 5:30 से 7:30 तक 7 दिवसीय योग एवं मेडिटेशन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में टाटा मेन हॉस्पिटल रेडियोलॉजी विभाग प्रमुख बीके डॉक्टर राजेश और फिजियोलॉजिस्ट बीके डॉक्टर पीयूष रंजन सभी को योगासन, प्राणायाम और राजयोग मेडिटेशन का प्रशिक्षण देंगे। योगा और मेडिटेशन का प्रोग्राम है, ये मरीन ड्राइव में स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्था के सेवा केंद्र पर होने जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि समाज के हर वर्ग तक योगा और मेडिटेशन पहुँचे, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और जो दवाइयां हैं वो बहुत लग रही है लोगों को, और जो अगर हम ये दोनों योगा और मेडिटेशन अगर हम कंबाइन करें तो हम बीमारियों से और दवाइयों से दोनों से मुक्त हो सकते हैं। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज टाइम्स। जमशेदपुर में पहली बार 99 स्टोर आपके लिए लाया है कम कीमत पर वुमेन क्लोथिंग की एक बड़ी वैरायटी, जहां आपको लेटेस्ट ट्रेंड से लेकर क्लासिक स्टाइलिंग की तरह तरह के कलेक्शन देखने को मिलेंगे। यहां 99 रुपए में पाएं बेस्ट क्वालिटी दुपट्टा, स्टोल, लेगिंग्स, जेगिंग्स, प्लाजो, टॉप, स्कर्ट, नाइटी और भी कई तरह के कपड़ों का कलेक्शन। ये फर्स्ट टाइम जमशेदपुर में 99 में कपड़े मिल रही है आपको, जो कि आप बिलीव नहीं करोगे। 99 में दुपट्टा, लेगिंग्स, जेगिंग्स, कुर्ती, सलवार है, पटियाला है, स्कर्ट है, इवन जेंट्स टी शर्ट है, बरमूडा है,
लेडीज़ का टॉप है, वेस्टर्न टॉप है, ना कुछ नहीं, सब कुछ है। ये फर्स्ट टाइम जमशेदपुर में आया है, 99 रुपीज में आपको फुल रेंज ऑफ लेडीज के 99 स्टोर में आपको हर अवसर के लिए बेहतरीन, फैशनेबल और स्टाइलिश कपड़े बहुत ही कम कीमत पर मिलेंगे। तो आज ही आए और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है 99 स्टोर नियर छगनलाल ज्वेलर्स, बिस्टपुर मार्केट, जमशेदपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9835105091। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। इंडियन बेकरी स्पेशलिस्ट इन केक एंड कॉन्फेक्शनरी आइटम। ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटी। स्पेशलिस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ पेटी, केक, कुकी, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, एगलेस केक, बर्थडे केक, एनिवर्सरी केक, वेडिंग केक। Anniversary cake and school order specials. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे कि आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी निवाली की तरफ आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं रहे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में आए। Thank you.
कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं। तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं। हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के, वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा। हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दात के डी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक।